उसका मकान व्यवहारिंग कैसे किया जाता है, आइए आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, मकान व्यवहारिंग करने के लिए सबसे पहले हमको सर्किट बनाना चाहिए। अगर आप सर्किट नहीं बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे वायरिंग किया जाता है। देखिए, माय यूट्यूब चैनल से प्रकाश इलेक्ट्रिकल, ये हमारा सर्किट बनाने के लिए 2.5 ओम का लाल तार और 2.5 ओम का काला तार मेन लाइट के तार है। ये हमारा पीला तार इन्वर्टर का है और हरा तार अर्थ का है। अब कैसे खींचना है तार ये आपको दिखा रहे हैं। पहले मकान में हम क्या करेंगे, स्टील तार डाल देंगे। ये हमारा देखिए स्टील तार डाला गया है। अब इसको हमको क्या करना है, तार को मोड़ लिया जाता है और मोड़ करके उसके बाद से तार खींच लिया जाता है। मेरे बोर्ड में खींचो बाबू, खींचो खींचो तार छोड़ा तो छोड़ा दिया। खींचो 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 पहुंच गया। देखिए आप कैसे दिखा रहे हैं, चप्पल कैसे वायरिंग कथा मेन सर्किट आया है ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा मेन सर्किट आ गया मेन बोर्ड में। अब हम क्या करेंगे, इसको गांठ मार देंगे जितना जरूरत है उतना। उसके बाद से सारा तार हमको वापस खींच लेना है। अब हमारा आ गया, इधर तोड़ो तो। अब हमको कैसे नापना है ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितना जिसके लेवल में बोर्ड रहता है उसी के लेवल में हमको यहाँ पकड़ना चाहिए। देखिए उसी के लेवल में हम पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, जैसे जहाँ से पाइप गिरा होता है छत से वहाँ से थोड़ा सा मोड़ लिया जाता है। हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। ये अर्थ थोड़ा बढ़ा लिया, बढ़ा लिया जाता है इसलिए कि वहाँ पे हमको लूप करना है ऊपर। ये हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर का तार हमारा बोर्ड से बोर्ड में जाएगा। इन्वर्टर का तार भी कटिंग नहीं करना चाहिए, बोर्ड से बोर्ड तक का तार नापी कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा एक बोर्ड है, अब उस बोर्ड के लिए हमको लाइट का सर्किट खींचना है। वहाँ खींचने जाओ तुम, हमको उस बोर्ड के लिए लाइट का फेस न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थ खींचना है। तो वैसे ही सेम जैसे हम सर्किट ले गए हैं वैसे ही चार तार फिर से ले लेंगे हम। ये हमारा पीला तार इन्वर्टर है, हरा तार अर्थ है, काला तार न्यूट्रल है और लाल सफ़ेद है, 1.5 ओम का काला और लाल। अब हम क्या करेंगे, इस तार को खिंचवा देंगे वहाँ पर। खींचो खींचो देखिए वहां पे हमारा तार पहुंच गया। अब क्या करेंगे, वैसे ही सेम नाप लेंगे। देखिए नापी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ वहां से हमको एक हाफ लेना है, उस पर पीस हमको इसी बोर्ड से देना है। यहाँ पे हमारा गेट लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से अपना स्विच बोर्ड का कनेक्शन जो बल्ब होगा वहाँ का वो यही से होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हाफ ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम उठा ले लिए हैं, अब हमको खिंचवा देना है तार से। खींचो 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 खींचो, बस थोड़ा सा और खींचो आपके साथ। देखिए यहाँ पे हमारा ये हाफ हो गया बल्ब होल्डर के लिए, ये हमारा न्यूट्रल लूप हो जाएगा ब्लैक लूप। अब इसको क्या करना है, हमको लूप कर देना है। अब वैसे ही सारा तार हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। अब हमारा यहाँ पे हरा तार वाला तार कट जाएगा और न्यूट्रल हम न्यूट्रल इस तार के बराबर नाप लेंगे।
देखिए जहाँ से ये हमको एक हाफ लेना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी न्यूट्रल और फेस हम ले लेंगे अलग से। कलर का बोल और बात का बोल जेरोइन का कलर का ये देखिए हमारा ये न्यूट्रल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस बल्ब के लिए हम वैसे ही सेम खींच लेंगे। अब हमारा मेन स्विच बोर्ड में जाएगा, ये हमारा पंखे का तार है, इसको हम क्या करेंगे टक मार लेंगे, उसके बाद से हम इसको टेप मार के अब तक खिंचवाएंगे। खींचो। अब देखिए यहाँ पे हमारा न्यूट्रल लूप हो गया, न्यूट्रल तार खींचे और हमारा तार भी लूप हो गया हरा तार। अब यही हरा तार हरा में जुड़ जाएगा और काला तार काला में जुड़ जाएगा। ये पंखे के तार हम क्या करके काट देंगे और ये काला तार और लाल तार से हमारा पंखा चलेगा। स्टील डालेंगे इसको। अब यहाँ से भी हमको एक पॉइंट देना है तो क्या करेंगे, यहाँ से भी एक हाथ ले लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको फंसा देंगे बढ़िया से और तो खिंचवा देंगे। खींचो तार कभी भी परली साइड रखना चाहिए ताकि तार आसानी से खिंचा सके। देखिए यहाँ पर भी हमारा एक तार खिंचा गया। अब हमको क्या करना है, ये भी तार हम लूप कर देंगे और काट देंगे। अब हमारा देखिए इस रूम का वायरिंग कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से आपको तार खींच के दिखाया जा रहा है।